इस वन रही अलगम वेलकम बैक टू तो माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खेर खैरियत से होंगे आज की वीडियो अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स पे है और बहुत लंबी वीडियो होने वाली है क्योंकि मैंने हर चीज़ डिटेल में कवर की और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा स्टार्ट करते हैं जी वीडियो का फर्स्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप किसी भी मेकअप करने में है मॉइस्चराइजर अगर आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं हुई भी होगी प्रैप नहीं हुई हुई होगी मेकअप के लिए तो मेकअप अच्छे से उस पर बैठेगा नहीं और एक स्मूदर फिनिश नहीं आएगी मेकअप की तो मॉइस्चराइज करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है है और फर्स्ट स्टेप है तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं मॉइस्चराइजर में एक गर्मियों के लिए एक सर्दियों के लिए गर्मियों में जो है वो लाइट वेट मॉइस्चराइज़र सही रहता है क्योंकि चिपचिपी फील जो है वो किसी को पसंद नहीं है और सर्दियों के लिए ये वाली ऑप्शन है सर्दियों में आप निविया का कोई सा भी ले सकते हैं ये वाला मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया इसमें सिंपल वाइट वाला भी आता है इसमें ग्रीन मिंट वाला भी आता है और ये है जी ट्रॉपिकल फ्रूट वाला तो कोई सा भी आप ले लें निविया का मॉइस्चराइज़र निविया के सारे मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे हैं तो गर्मियों के लिए जी आप पॉन्ट्स का लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं अफोर्डेबल ऑप्शन है और सर्दियों में आप लोग यूज़ कर सकते हैं निविया का कोई सा भी मॉइस्चराइजर और ये भी जो है वो बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन है तो ये हो गया जी मॉइस्चराइजर अब चलते हैं प्राइमर की तरफ प्राइमर भी जो है वो आपके आ, उन लोगों के लिए स्पेशली अच्छा है जिनकी स्किन पे पोर का ओपन पोर्स का इशू है तो ये पोर्स को फिल कर देता है स्किन को ब्लर कर देता है और एक स्मूथ कैनवास प्रोवाइड करता है कि आप उस पर मेकअप वगैरह लगाएं अच्छा जी तो दो ऑप्शन था मेरे पास अच्छे प्राइमर्स की जो कि मैंने ख़ुद पर्सनली यूज़ किए हुए हैं तो एक है ये मेबी का बेबी स्किन और ये भी आपको थाउजेंड रुपीज़ तक में मिल जाएगा और ये बहुत अच्छा प्राइमर है सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है उसके अलावा हमारे पास ब्यूटीफाइबर आमना की ऑप्शन है ये पोर्फेट प्राइमर है ये भी बहुत अच्छा प्राइमर है बड़े अच्छे से जो है वो स्मूथ एक आ, स्किन कर देता है और पोर्स को बड़े अच्छे से फिल कर देता है तो ये भी ऑयल फ्री है और ऑयली स्किन वाले भी इसको बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और मेरी स्किन पर मेरी स्किन ड्राई सेंसिटिव स्किन है तो मेरी स्किन पर भी ये अच्छे से वर्क करते हैं दोनों प्राइमर्स और दोनों जो है ना इन टेक्स्चर वाइज मुझे सेम सेम लगते हैं आप इनमें से कोई सा भी परचेज़ कर सकते हैं दोनों काफ़ी अच्छी ऑप्शन हैं अच्छा जिन लोगों को प्राइमर यूज़ करना नहीं पसंद या जो टीन एज गर्ल्स वगैरह हैं वो प्राइमर को स्किप करके कोई भी एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं तो ये मेरे पास है होबा इसेंशियल ऑयल और ये मेरा फेवरेट असेंशियल ऑयल है और मैं इसको कभी कभार ना विंटर्स में विंटर्स में गर्मियों में नहीं इसको एज अ नाइट सीरम भी यूज़ करती रही हूँ तो ये काफ़ी अच्छे इसके रिज़ल्ट रिजल्ट हैं बड़े अच्छे से स्किन को जो है मॉइस्चराइज कर देता है और वर्क एज अ प्राइमर प्राइमर के तौर पे भी जो है ना ये काम करता है और काफ़ी अच्छे से मतलब इसकी फ़ील ऐसी है जब आप इसको फेस तो अपने फेस पे अप्लाई करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई प्राइमर अपने फेस पे अप्लाई किया तो इस तरह से है ये और इसकी कंसिस्टेंसी और सब कुछ इस बहुत अच्छा है तो ये मैंने किसी लोकल शॉप से ही लिया था अब इसकी कंपनी और इसकी प्राइस वगैरह मुझे नहीं याद आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं आई थिंक आपको रिवाज जूके में भी ये मिल जाएगा और मैं खैर लिंक वगैरह चेक करूँगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी ऑप्शन के कि आप कहाँ से ले सकते हैं अच्छा उसके बाद चलते हैं फाउंडेशन की तरफ तो फाउंडेशन में सबसे पहली जो रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से अफोर्डेबल फाउंडेशन में वो है की ये वाली फाउंडेशन फुल कवरेज कवरेज वेलवेट फाउंडेशन है ये और आ, काफी अच्छी मुझे ये लगी थी इसका डिटेल रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप लोग इसका डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं और मैंने आपको डेमो भी करके दिखाया था इसका तो जीरो टू मेरा शेड है जिन लोगों को वाइट वाइट सी फाउंडेशन नहीं पसंद गंदमी रंगत है जिनकी मेरी तरह तो वो लोग

नो no डाउट ये काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है और अफोर्डेबल uh, रेंज में है उसके बाद अफोर्डेबल रेंज में मेरे पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है मेबिल इन फिट मी की इसमें आप अपना डिज़ायर्ड शेड ले सकते हैं मेरे पास वन वन फाइव शेड है और ये भी बहुत अफोर्डेबल और अच्छी ऑप्शन है मेबिल इन पर तो वैसे भी सेल्स वगैरह लगती रहती हैं अलक्रम स्टूडियो पर भी मेबिलिन पर आपको सेल मिल जाएगी वीगास डॉट पी के पर भी मिल जाएगी तो सेल में आप कोशिश करें तो लें तो आपको बहुत अच्छी प्राइस पर यह मिल जाएगी और ये छोटू सी पैकिंग है स्पेशली टीन एज गर्ल्स के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सॉरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी और ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है तो आ, ये इस तरह से ये है ये जी मेरी तरफ से दो फाउंडेशन रिकमेंडेशन जो कि अफोर्डेबल रेंज में है उसके बाद चलते हैं फेस पाउडर्स की तरफ तो फेस पाउडर में सबसे अच्छी और सबसे पहली जो अफोर्डेबल ऑप्शन है वो है ये मेडोरा का पाउडर और ये भी काफ़ी अच्छा है मैंने इसको परचेज किया था रिकमेंडेशन पे एक ब्लॉगर की रिकमेंडेशन पे और उन्होंने इसको रिकमेंड किया था और नो no डाउट ये काफ़ी अच्छा पाउडर है फ़ेस uh, पाउडर है और बड़ा ही अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगा लेकिन मैंने आई थिंक इसको टू हंड्रेड में परचेज़ किया था और मेडोरा uh, की तो वैसे लिपस्टिक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती हैं लेकिन ये इनका जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये भी बहुत अच्छा है लाइट पेज जो है वो मेरा शेड है और ये थोड़ा सा लाइट लगता है मुझे uh, उसके बाद जी दूसरी जो ऑप्शन है फेस पाउडर्स की वो है ग्लैमरस फेस ये बहुत ज़बरदस्त पाउडर है और अब इसकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ करती जा रही हैं जब मैंने इसको परचेस किया था तो आई थिंक ये थ्री फिफ्टी का मिल रहा था लेकिन अब जो है वो फ़ोर फिफ्टी फ़ाइफ हंड्रेड इस तरह की प्राइस में आपको मिल जाएगा लोकल शॉप से तो इस तरह से है जी और इसका शेड मुझे बहुत प्यारा लगता है इसकी कवरेज बहुत अच्छी है आप इसका देख लें इस पर पीछे इसका नेम जो है वो भी कोड जो है ना वो भी मैंशनड है मीडियम बेज फोर जो है वो इसका शेड नेम है एक्सपायरी डेट वग़ैरह भी क्लियरली इस पर मैंशंड हैं और ये पाउडर अगर आप दोनों में से मेरी पूछें मेडोरा और ग्लैमरस फेस में से तो ग्लैमरस फेस का जो पाउडर है वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छी इसकी कवरेज है अगर आप लोग भी किसी अच्छे पाउडर की तलाश में हैं तो आप ये वाला लें अफोर्डेबल रेंज में इसका जो टेक्सचर है और जो इसकी फ़ील है ना वो बड़ी वेल्विटी वेलिटी सी है तो इस वजह से मुझे ये वाला फ़ेस पाउडर ग्लैमरस फेस का बहुत अच्छा लगता है तो अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई आउट नहीं किया तो डू ट्राई इट आउट बहुत अच्छा फेस पाउडर है अच्छा उसके बाद लूज़ फेस पाउडर में मेरे पास ये ऑप्शन है सबसे अच्छी आ, वो है जी क्रिस्टीन का और आप लोगों ने किसी रिकमेंडेशन वगैरह में किसी वीडियो में इसको नहीं देखा होगा लेकिन ये काफ़ी अंडर सा प्रोडक्ट है लेकिन काफ़ी इसके भी अच्छे रिजल्ट हैं और मुझे पर्सनली ये फेस लूज़ फ़ेस पाउडर बहुत ज़्यादा पसंद है स्पेशली आप जब आप हैवी मेकअप कर रहे होते हैं ब्राइडल वगैरा सॉरी वेडिंग के लिए किसी शादी वगैरह के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो ये बहुत अच्छा है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बना देता है आपके मेकअप को और इस तरह से है ये इसकी पैकिंग इसमें आई थिंक ये पफ मैंने अपना वाला रखा है और अच्छी बात ये है कि इसकी पैकिंग के साथ ही आपको एक अदद ब्रश भी मिलेगा जिससे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर और इसकी पैकिंग वगैरह प्लास्टिक की है और तो काफ़ी अच्छी है पैकिंग वगैरह भी इसकी और इस तरह से है ये लूज फेस पाउडर नेचुरल पिंक थ्री मेरा शेड है और ये काफ़ी अच्छा शेड है आ, मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है ये तो ये है जी मेरी तरफ़ से लूज पाउडर में रिकमेंडेशन इसके अलावा आप लोग ब्यूटिफाई बामना का भी ले सकते हैं अच्छा जी तो कंसीलर्स में मेरे पास अभी दो ऑप्शन हैं मेरे पास पड़े हुई दो कंसीलर्स थे तो मैं आप लोगों को सबसे पहला जो रिकमेंड करूँगी कंसीलर वो है ये एले ए गर्ल्ड का प्रो कंसील हाई एच हाई डेफिनेशन कंसीलर और इसमें मेरा शेड जो है वो पोस्टीन है और ये बहुत अच्छा कंसीलर है अगर आप लोग एक कंसीलर लेना चाहते हैं किसी अच्छे कंसीलर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से जो कि मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी इन दोनों में से कोई सा भी एक ख़रीद सकते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त कंसीलर है मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ किया है और मुझे बहुत ये पसंद आया है उसके बाद जी कंसीलर्स में दूसरी ऑप्शन मेरे पास जो अवेलेबल थी वो है ये मे का इनका इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेज़र कंसीलर और ये भी बहुत अच्छा कंसीलर है काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में हाइप सुनी थी और मैंने रिसेंटली इसको purchase किया है तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया इसको मैं इतना सा ये अभी यूज़ किया है लेकिन इसके रिज़ल्ट जो हैं वो आउट क्लास हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कंसीलर है ये तो आप दोनों में से कोई भी purchase कर सकते हैं दोनों के रिज़ल्ट बहुत बहुत अच्छे हैं और अगर आप सेल पर लेंगे ये चीज़ें तो आपको बड़ी अच्छी प्राइस पर मिल जाएंगी मैंने भी फोर्टी फोर्टी परसेंट ऑफ के डिस्काउंट पर ही ली हुई हैं ये दोनों चीज़ें और इसके अलावा अफोर्डेबल ऑप्शंस में मिसरोज़ का लिक्विड कंसीलर भी बहुत अच्छी ऑप्शन है ये आपको टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी इस तरह से मिल जाएगा और बहुत बहुत अच्छा कंसीलर है ये भी मिसरोज़ का उसके बाद चलते हैं जी ब्लश ऑन्स की तरफ और ब्लश ऑनस में मेरे पास एक ये ब्लश पैलेट है एल्फ का और अगर आप ये पैलेट परचेज कर लेंगे ना लाइट वाला शेड है लाइट शेड में है मेरे पास इसमें लाइट और डार्क दो शेड्स आते हैं अगर आप लोग ये वाला पैलेट परचेस कर लेंगे तो आपको आई थिंक किसी और ब्लश पैलेट को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है ये बहुत ही अच्छा पैलेट है और ऑल इन वन है इसके अंदर तकरीबन सारे वो शेड्स हैं जो कि एक अच्छे ब्लश के जो शेड्स हैं वो होते हैं और इसमें दो पैलेट्स होते हैं मतलब लाइट और डार्क वाला लाइट वाला मैंने लिए है डार्क वाला इससे भी डार्क है तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क किस्म के ब्लशेज़ पसंद हैं तो आप उसके लिए भी उसको भी यूज़ कर सकते हैं तो ये इसको मैं काफ़ी टाइम हो गया यूज़ कर रही हूं। बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी और बहुत ही जबरदस्त किस्म का है ये और ये और भी आप सेल्स में बड़े अफोर्डेबल प्राइस पे ले सकते हैं उसके अलावा दूसरी जो ऑप्शन है है मेरे पास वो बाय आमना की अच्छा कुछ लोगों को मैट ब्लशेस पसंद होते हैं कुछ लोगों को जो है थोड़े से ग्लिटरी किस्म के ब्लश पसंद होते हैं तो जिन लोगों को मैट ब्लश पसंद है उनके लिए एल्फ का पैलेट बहुत अच्छी ऑप्शन है और जिन लोगों को थोड़े से ग्लिटरी किस्म के ब्लश पसंद हैं और वो जो है वो ये ब्यूटीफा बाय आम वाला पैलेट जो है जरूर खरीदें क्योंकि बहुत ही अच्छी सी इसके अंदर शामिल है। बहुत अच्छा पिगमेंट है इसका शेड्स बहुत प्यारे हैं पिंक और पीच वाले शेड्स बहुत प्यारे हैं और अच्छी बात यह कि इसमें आपको हाईलाइटर का शेड भी मिल जाता है जो कि वाइट सा साथ में है तो बहुत अच्छा वो एक हाईलाइटर शेड है तो जिन लोगों को जी मैट uh, शेड्स पसंद हैं मैट ब्लशेस पसंद है मेरी तरह वो एल्फ का पैलेट ले सकते हैं और जिन लोगों को ग्लिटरी वाले ब्लश पसंद हैं वो ब्यूटीफाई बाय आमना वाला ले सकते हैं तो ये दो ब्लश की रिकमेंडेशनस ही मेरी तरफ से इसके अलावा आप इंडिविजुअल जो ब्लशेज होते हैं वो भी ले सकते हैं उसमें आप ग्लैमरस फेस का ले सकते हैं ब्लश उसमें में आप ले सकते हैं मिस रोज़ के ले सकते हैं तो वो वाले मैंने यूज़ नहीं किए हुए जो चीज़ मैंने यूज़ की हुई है वो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ अच्छा जी उसके बाद चलते हैं आ, कंटोरिंग की तरफ और ब्रॉन्जिंग की तरफ तो फ़ेस कंटोर पैलेट जो क्रिस्टीन का है ये बहुत बेस्ट है बहुत अच्छा है और इवन इसको तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी यूज़ करती हैं ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का पैलेट है फेस कंट्रोलिंग के लिए तो इसमें बड़े प्यारे से जो है वो शेड्स हैं जिसके ज़रिए से आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं और ब्रॉन्जिंग भी कर सकते हैं अपने फेस की तो उसमें एक ब्रश है जो कि मेरे हिसाब से यूजलेस सा है अच्छा इसमें मैं आपको अपना शेड बता देती हूँ उसमें आई थिंक पता नहीं चार शेड्स हैं तो जीरो थ्री जो है वो वाला पैलेट मैंने लिया है ज़ीरो थ्री इज़ माई शेड और ये है जी क्रिस्टीन का फ़ेस कंट्रोल पैलेट जो कि मेरी तरफ से भी रिकमेंडेड है और बहुत सारे लोग उसको रिकमेंड करते हैं अच्छा उसके बाद दूसरी जो ऑप्शन है वो है थोड़ी सी क्रिस्टीन वाले से एक्सपेंसिव लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंट्रोल और ब्राउनजिंग वाला पैलेट है और ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसको इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया लशेस की है ये फेस कंट्रोर किट और आप इसकी हालत से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है बहुत अच्छी है पिगमेंटेशन इसकी बहुत राइट अमाउंट ऑफ़ पिगमेंटेशन है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती हैं दोनों पैलेट्स

आई लुक क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर मैट ब्लैक शेड भी है इसके अलावा बड़े प्यारे से आपको ग्लिटर शेड्स मिलेंगे जिनकी अगेन पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है अभी मैं आपको इनके स्वॉचेस भी दिखाती हूँ तो आपको एक क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की आई लुक्स आप इससे क्रिएट कर सकते हैं और ज़रा ज़रा सा आप देखें हार्डली मैं इसको जो है वो टच कर रही हूँ तो इसकी पिगमेंटेशन आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त है तो ये आप देखें ज़रा सा मैंने इसको वो किया और कितने अच्छे से प्यारे प्यारे से इसके शेड हैं चाहे वो मैट वाले शेड्स हों चाहे वो ग्लिटर वाले शेड्स हों ये ग्लिटर भी सही से पिक नहीं हुआ था ये पिंक वाला ग्लिटर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो ये देखें कितना ज़बरदस्त है ये पिंक ग्लिटर और मैंने अभी एक रिसेंट वेडिंग पे आई लुक से क्रिएट किया था तो उसमें ये पिंक वाला जो ग्लिटर है ये यूज़ किया था और इसका कोई ऐसा ना फॉल आउट वग़ैरह भी नहीं है और इसके लिए आपको इसको यूज़ करने के लिए कोई ग्लिटर ग्लू या कोई सेपरेट चीज़ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इवन ब्रश को वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है इसी तरह से आप फिंगर से इसको अप्लाई करें और इसका कोई फॉल आउट नहीं है और स्टे करते हैं ये ग्लिटर्स आँख पर मतलब काफ़ी देर तक इनका जो है वो स्टे है बाद इस वीडियो में मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट आई शेडो पैलेट्स और ये है जी मेकअप रेवोल्यूशन का कार्मी क्रॉस रेवोल्यूशन uh, वाला पैलेट और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसकी वजह यह कि इसमें जो इसकी कलर्स रेंज है वो बहुत ज़बरदस्त है इसमें स्पेशली वही वाले कलर्स इंक्लूड हैं जो कि पाकिस्तानी वेडिंग वेयर में या जो फॉर्मल वेडिंग वेयर ड्रेसिज़ होते हैं उसके अंदर होते हैं जैसे कि आप देख लें फिर ग्रीन पिंक और ब्लू के वो वाले शेड्स बहुत प्यारे प्यारे और इसकी जो मैट्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं और जो इसके ग्लिटरी शेड्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं तो ये शिमरी शेड्स भी बहुत अच्छे हैं इसके तो इस तरह से अभी मैं आपको इसका स्वाच दिखाती हूँ तो आप लोगों को क्लियर आइडिया होगा कि कितने खूबसूरत और कितने ज़बरदस्त किस्म के ये शेड्स हैं और इसके अलावा मेकअप रेवोल्यूशन पर सेल्स वगैरह भी लगती रहती हैं मैंने ये पैलेट जो है वो वीगास डॉट पी से लिया था सेल में और टू का मुझे मिल गया था तो आप लोग भी सेल्स में ले सकते हैं इसके अलावा ये वाला पैलेट ना सही आप लोग मेकअप रेवोल्यूशन का कोई सा भी पैलेट ले सकते हैं हज़ार बारह सौ में आपको आराम तो से बहुत अच्छा आई शेडो पैलेट मिल जाएगा सेल में तो ये भी बहुत अफोर्डेबल और अच्छी है अच्छी रेंज है तो अब इस वीडियो में मैंने वही वाली चीज़ें रिकमेंड की हैं जो कि मैंने एक तो यूज़ की हुई हैं और दूसरा ये कि मुझे पसंद हैं काफ़ी ज़्यादा तो ये है जी मेकअप रेवोल्यूशन का कार्मिक्रॉस रेवोल्यूशन वाला इनका मैजिक पैलेट और आप लोग चाहें तो ये वाला भी परचेज कर सकते हैं या मेकअप रेवोल्यूशन का कोई सा भी क्योंकि मेकअप रेवोल्यूशन के आई पैलेट्स नो डाउट काफ़ी अच्छे होते हैं बड़ी इजीली ब्लेंड हो जाते हैं अच्छा उसके बाद मस्कारा मस्काराज में मेरे पास दो अफोर्डेबल ऑप्शन हैं एक ये ग्रेट ग्रेट लैश मस्कारा मेबिलीन का और इसके अलावा जो क्लोजम वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा है ये भी इसके अलावा आप ल, 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 के मस्काराज भी परचेज़ कर सकते हैं अच्छा आई शेडो पैलेट्स में बस दो छोटी छोटी सी ये पैलेट्स भी थी जो कि मैंने मिनीसो से ली थी तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं ड्यू टू इट्स पिगमेंटेशन और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ट्रैवल फ्रेंडली भी हैं आप इनको ईज़िली कहीं भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हों किसी की शादी में जाएँ एक आधा फंक्शन अटेंड करने के लिए तो आप इनको इजीली अपने साथ कैरी कर सकते हैं और इसके साथ जो है वो मिरर भी है छोटू सी पैलेट है लेकिन इसके साथ मिरर और ब्रश दोनों थे ब्रश भी था इसके अंदर लेकिन वो आई थिंक इधर उधर हो गया खैर ये इस तरह से है एक ब्राउन मिक्स है और एक पिंक मिक्स है तो ब्राउन मिक्स में आप देखें ब्राउन वाले शेड्स हैं और पिंक मिक्स में जो है वो पिंक वाले शेड्स हैं तो एक इसके अंदर मैट दो इसके अंदर जो है वो मैट शेड्स हैं और दो जो हैं वो शिमरी शेड्स हैं इसके अंदर तो ब्राउन मिक्स वाले जो स्वाचेस हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस तरह से हैं और अभी मैंने इसको सही से टच ट नहीं किया तो उस तरह से आ, आ रहा है ये अच्छे खासे पिगमेंटेश पिगमेंटेड और अच्छे पैलेट्स हैं ये और इसके अंदर ये जो वाइट वाला आप शेड देख रहे हैं ना साइड पे लंबा सा इसको आप एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं तो मैंने इसको एज अ हाईलाइटर भी यूज़ किया हुआ है तो काफ़ी अच्छा हाईलाइटर है ये भी तो ये जीरो वन पिंक मिक्स आप देख लें पिंक मिक्स में ये वाले शेड्स हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इस वाले शेड को आप एज आ हाई भी यूज़ कर सकते हैं अभी मैं आपको इसका स्वच्छ भी दिखाती हूँ तो ये देखिए काफ़ी अच्छा सा है ये हाई और स्किन पे फेस पे काफ़ी अच्छा लगता है तो ये दो पैलेट्स भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं सो के उसके बाद चलते हैं जी आ, आई लाइनर्स की तरफ तो आई में सबसे पहले ये जो मेरे पास आई लाइनर है वो है ये आ, वाला डोलर स्टोर से मैंने लिया था ये पेन लाइनर है पेन लाइनर्स बहुत अच्छे रहते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि बिगनर्स हैं जिनको आई अप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है मेरी तरह तो ये मेरे पास दो किस्म के पेन लाइनर्स हैं इसके अलावा डिप लाइनर भी एक बहुत अच्छा सा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी तो ये इससे आप पतला भी लाइनर लगा सकते हैं मोटा भी लगा सकते हैं जितना आप इस पर पे प्रेशर डालेंगे उतना इस पे इससे आप ड्रा कर सकते हैं मोटा या पतला लाइनर उसके बाद ये एयाज़ो कॉस्मेटिक्स का है अच्छा डॉलर शॉप वाला मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आँखों पर आप वाली चीज़ ना यूज़ करें जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी वाइज ना हो आयाज़ो कॉस्मेटिक्स का ये वाला लाइनर बहुत अच्छा है लेकिन मेरा ये ड्राई आउट हो गया है काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको यूज़ किया और अब ये आप देखें तकरीबन तकरीबन ये जो है वो ड्राई हो गया तो खैर पेन लाइनर्स के साथ ऐसा होता है डिप लाइनर्स के साथ भी होता है लेकिन आप उसको फिक्स कर सकते हैं तो ये अयाज़ो वाला अयाज़ो कुस, कॉस्मेटिक्स वाला भी काफ़ी अच्छा है उसके बाद वाइट आई पेंसिल क्रिस्टीन की मैंने यूज़ की हुई है और ये काफ़ी अच्छी है बड़ी अच्छी पिगमेंट बड़ा अच्छा पिगमेंट है इसका तो अगर आप लोग भी वाइट पेंसिल कोई अफोर्डेबल ढूंढ रहे हैं तो गो फॉर दिस क्रिस्टीन वन और इसका जो शेड है वो सी वन सिक्स फाइव है और इस तरह से है ये अभी मैं आपको इसका स्वॉच भी दिखा देती हूँ ये देखें काफ़ी पिगमेंटेड है तो कोई अच्छी वाइट पेंसिल अगर आप लोग ढूँढ रहे हैं तो आप क्रिस्टीन का ये वाला ले सकते हैं क्लिनिकली टेस्टेड है नो एनिमल इन्ग्रीडियंट्स हैं और इस पर मैंशन है कि ये पेन आई आई लाइनर पेंसिल है अच्छा जी उसके बाद ये अम... फ़ेस सिट का काजल भी है मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कोई अच्छी आई पेंसिल रिकमेंड कर दें तो ये एक बहुत अच्छी आई पेंसिल है और ये है जी फेस सिट की और ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी आई थिंक वन फिफ्टी की मैंने ये ली थी और ये भी शॉप नहीं हुई हुई अच्छे से तो इसका जो पिगमेंट है वो बहुत अच्छा और नो डाउट ये एक वाटर प्रूफ और स्मच प्रूफ काजल पेंसिल है ठीक है जी तो आप उसको एज अ काजल यूज़ कर सकते हैं मैं इसको एज अ काजल यूज़ करती हूँ मेकअप फिक्सर में मेरे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है लेकिन नेक्स का ये जो मेकअप फिक्सर है ये बहुत ज़बरदस्त है पर्सनली मेरी तरफ से हाईली हाईली रिकमेंडेड है इसमें एक ब्लैक वाला भी आता है मैट फिनिश के साथ और ये डुई फिनिश के साथ है ये वाला मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर आप सेल में लेंगे तो आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा मैंने भी वीगास डॉट पीके से सेल में ही लिया था अब चलते हैं जी हाई की तरफ हाईलाइटर्स में सबसे पहली जो ऑप्शन है मेरे पास ये है मिस रोज़ का हाईलाइटर पैलेट और इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको किस लोकल स्टो शॉप से आपको ये मिल जाएगा और इसके इस तरह से हैं जी आ, स्वाचेज और वगैरह भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे किस्म का अगर आप हाइलाइटर ढूँढ रहे हैं हाइलाइटर पहले ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं है आ, लेकिन एक अच्छी ऑप्शन है बिगनर बिगनर्स के लिए स्पेशली तो इस तरह से इसके स्वाचेज और मुझे पर्सनली ना ये वाली किट बहुत कोई ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट की वीडियो बना रही थी तो उस वजह से मैंने इसको शामिल कर लिया जो मेरे फेवरेट्स हाइलाइटर्स हैं अफोर्डेबल रेंज में वो आ, दो हैं एक ये फेवना का है ये भी आपको किसी लोकल शॉप से मिल जाएगा ये एक टू इन वन है हाइलाइटर भी है और ये आई शेडो भी है तो इस तरह से है ये और इसमें कोई सा भी आप शेड ले सकते हैं मेरे पास वन जीरो फाइव शेड है इसमें बेशुमार शेड्स आपको मिल जाएंगे लोकल शॉप्स पर और ये बहुत अच्छा हाईलाइटर है इनके फेवना आई थिंक इसका जो है वो नेम है और सबसे अच्छी अफोर्डेबल highlighter ऑप्शन जो है वो मेरी रिकमेंडेशन पे अगर आप इस वीडियो में से कोई भी चीज़ बाय करेंगे तो आई वुड से के ये वाली चीज़ ज़रूर बाय करें क्रिस्टीन का ये सी एन एट टू एट आप इसको नोट कर लें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से मेरा ये टूट गया है ये बहुत ही ज़बरदस्त हाइलाइटर है मतलब मैंने मेरी ल्यूमिनाइज़र भी दिबाम कॉस्मेटिक्स का यूज़ किया हुआ है लेकिन जो इसकी बात है वो किसी में भी नहीं है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बहुत अफोर्डेबल और बहुत प्यारा जो है ना वो हाई है और उसका शेड स्पेशली बहुत अच्छा है सी एन ए टू एट आप याद कर लें आप ये लेके देखें ज़रूर इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको आई थिंक टू फिफ्टी में मिल जाएगा और ये आप देखें जरा इसकी इसका हाईलाइट इसका चेक करें और जब ये स्किन में ब्लेंड होता है तो बड़ा अच्छा सा एब्जॉर्ब हो जाता है एक नेचुरल सा ग्लो देता है और ये बहुत जबरदस्त किस्म का मतलब हाईलाइटर है मुझे ये वाला इसका जो शेड है ना स्पेशली ये वाला शेड रंगत वालों लोगों के लिए एशियन स्किन टोन्स वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है उसके बाद चलते हैं जी अब आईब्रो पैलेट की तरफ और आईब्रो में मेरे पास दो ऑप्शन हैं दोनों रिवाज झुके की है कि ये ब्रो पैलेट है मेरे पास और एक आईब्रो पेंसिल है तो ब्रो पैलेट में ये वाला अभी मैंने रिसेंटली ही परचेज़ किया है और एक दफ़ा ही मैंने आई थिंक इसको यूज़ किया होगा तो ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है और इसके अंदर आप देखें तो चार शेड्स हैं जिसमें एक जो है वो प्राइमर है इसको आप जेल टाइप प्राइमर है उसको आप पहले ब्राउज को सेट करेंगे और उसके बाद उससे पाउडर से उसको फिल कर लेंगे तो ये है बड़ी अच्छी सी ब्राउ पैलेट और बी टाइप जो है वो इसका कलर मैंने लिया था और काफ़ी कॉम्पैक्ट सी और काफ़ी अच्छी सी आई पैलेट है इसके अलावा मीसो के आई पैलेट्स भी मैंने यूज़ की हुई हैं और वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन हैं अच्छा उसके बाद रिवाज यू के आई पेंसिल है ये मेरे पास ब्लैक कलर में है लेकिन इसमें भी ब्राउन कलर्स वगैरह अवेलेबल हैं तो कोशिश करा करें कि आईब्रो पेंसिल अगर लें तो वो ब्राउन डार्क ब्राउन, ब्राउन कलर की ही लें अगर आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा हैं ब्लैक कलर की हैं तो आप ब्लैक की तरफ जाएँ अदरवाइज ब्राउन जो है ना वो नेचुरल लुक दे देता है तो ये दो ऑप्शन थी जो कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड है आई के लिए अच्छा लाइनर में डिप लाइनर की जो ऑप्शन थी वो है ये लैंकॉम पेरस का मस्कारा लाइनर आई लाइनर और ये डिप आई लाइनर में, में, में मेरा बहुत फेवरेट है एक तो उसकी सेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और दूसरा ये कि ये वाटर प्रूफ है हंड्रेड और बड़ा ही पतला सा प्रिसाइज इसके आप टिप देखें काफ़ी पतली सी है तो बड़ा प्रिसाइज किस्म का इससे लाइनर लगता है और जल्दी ड्राई हो जाता है बिल्कुल भी फैलता नहीं है ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छी इसकी जो है वो फिनिश है अब चलते हैं लिप क्रिय या लिप पेंसिल्स की तरफ तो उसमें बस तीन ऑप्शन हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक जो है ये स्वीट फेस के लिप हैं उसके अलावा एक रिवा यू के हैं और एक जो है वो गोल्डन रोज के हैं इसमें गोल्डन रोज के रिवाज जूके के स्वीट फेस के तीनों में से कोई भी आप ले लें ये बहुत अच्छे लिप लिपके और लिप पेंसिल्स हैं और इनका बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा टेक्स्चर है और बहुत अच्छी इनकी फील है लिप्स के ऊपर तो और इनमें बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं जो मेरे फेवरेट शेड्स हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वन बाय वन तो स्टार्ट करते हैं जी स्वीट फेस के इस वाले लिप क्रियॉन से लिप क्रियॉन्स कभी कभार तो मैं ऐसा करती हूँ कोई लिपस्टिक वगैरह अप्लाई नहीं करती जस्ट लिप क्रियॉन ही पूरे लिप्स पर अप्लाई कर लेती हूँ तो बहुत अच्छी एक उसकी जो है वो लुक आती है अच्छा इसका स्वाच मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये है जी स्वीट फेस का लिप क्रियॉन का स्वाच और बहुत ही प्यारा सा फ्रेश पिंक कलर है फोटीन जो है वो उसका नंबर है तो पर्सनल फेवरेट जो है मेरे हैं वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ उसके अलावा ये शेड है लिप क्रियन का ये भी स्वीट फेस का है इसका जो शेड है वो ट्वेंटी वन है ऑरेंज रस्ट सा इसका शेड है और ये भी लगा हुआ अप्लाई किया हुआ फेस पे बहुत प्यारा लगता है और इस पर क्लेम किया गया कि ये वाटर प्रूफ है तो काफी अच्छा इनका जो है वो स्टे है लिप्स के ऊपर और ये थे दो लिप क्रिय जो कि स्वीट फेस के हैं मेरे पास एक बहुत ही फ्रेश सा पिंक कलर है और एक बहुत ही प्यारा सा रस्ट कलर है और ये जो रस्ट ऑरेंज सा कलर है ना ये गंदमी रंगत जो एशियन स्किन टोन्स हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छा लगता है उसके अलावा गोल्डन रोज़ का है मेरे पास गोल्डन रोज़ का ये वाला लिप क्रियॉन गोल्डन रोज़ की लिप क्रियॉन्स का जो टेक्स्चर है वो भी बहुत क्रीमी और बहुत अच्छा है तो उसमें मेरे पास ये ऑप्शन थी उसके अलावा मैं आप लोगों को रिवाज यू का लिप क्रियॉन दिखाती हूँ उसका ये शेड बहुत ही ज़बरदस्त है मेरे पास और ब्राउन सा न्यूट सा शेड है इसका जो नंबर है वो आप देख लें डल रेड जीरो डबल फ़ोर डल रेड इसका शेड है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो बड़े ही न्यूट सा ब्राउन सा प्यारा सा शेड है और स्पेशली जो न्यू uh, जो स्मोकी आई मेकअप है उसके साथ इस तरह के बहुत प्यारे लगते हैं उसके बाद ये मैट आई पेंसिल है लिप पेंसिल एक्चुअली ये इसके ऊपर आई पेंसिल लिखा हुआ है तो ये भी बहुत प्यारी है ज़ीरो फोर्टी सिक्स इसका नंबर है, है ना इसका शेड है और ये इसका जो है वो स्वाच है तो ये भी जो है वो बहुत ही प्यारा सा न्यूट सा शेड है और बहुत प्यारी लिप पेंसिल है ये भी उसके बाद ये वाला स्वाच आप देखें तो ये भी बहुत प्यारा जो है वो शेड है और इसका मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये रिवाज यूके की पेंसिल है वाटर और इसका जो शेड है वो है ज़ीरो फोर्टी टू तो ये रिवाज चूकी की जो लिप एंड आई पेंसिल्स होती हैं या लिप के रिओन्स वगैरह होते हैं ये इजीली आपको किसी भी लोकल कॉस्मेटिक्स के स्टोर्स पे आ, स्टोर पे मिल जाएगा अच्छा उसके बाद लिपस्टिक्स में मेरे पास दो ऑप्शंस हैं एक मेडोरा की उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ और लेटेस्ट वीडियो भी इन शाला बनाऊँगी जब मैं री स्टॉक करूँगी उसके अलावा ये बेला कॉस्मेटिक्स की जो लिपस्टिक्स हैं ये भी ईजीली लोकल शॉप्स पर अवेलेबल हैं तो ये भी बड़ी अच्छी रेंज है बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है इन लिपस्टिक्स में अफोर्डेबल रेंज में मेडोरा की जो लिपस्टिक्स हैं वो बेस्ट हैं बेस्ट बेस्ट है और उनमें शेड रेंज भी बहुत ज़बरदस्त है और अफोर्डेबल है काफ़ी ज़्यादा प्राइस रेंज उसकी ना तो बेला कॉस्मेटिक्स भी जो है वो अच्छी है इसके अलावा ग्लैमरस फेस की जो लिपस्टिक्स हैं वो भी अच्छी हैं लेकिन बेस्ट जो है उनमें से मेडोरा की हैं तो ये थी अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई हुई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डोंट फार टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा